2023 वर्ल्ड कप में मंगलवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने एक आसान सी जीत हासिल की। इस मैच के दौरान स्टेडियम में कुछ दर्शक फिलिस्तीनी झंडा लेकर के पहुंच गए और उन्हें समर्थन करते नजर आए। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी ले लिया है। ईडन गार्डन स्टेडियम में मंगलवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जब मैच खेला जा रहा था, तो उस दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद सभी को छोड़ भी दिया गया है, पुलिस ने जानकारी साझा की है। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों को मैदान के अंदर झंडा लहराते देखा गया, जिसके बाद उनके मैदान के पास ही पुलिस थाने में अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि शुरुआती पूछताछ के बाद 4 को पुलिस थाने से छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि वे बैली, इकबालपौर और कराया पुलिस थाना क्षेत्रों के ही निवासी हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हमने उन्हें गेट संख्या 6 और ब्लॉक G1 के पास फिलिस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में हिरासत में लिया। ईडन गार्डन्स में तैनात पुलिसकर्मी पहले तो समझ ही नहीं पाए कि प्रदर्शनकारी आखिर कर क्या रहे हैं। फिर हिरासत में ले जाने से पहले उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, लेकिन उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया था। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देखने आए दर्शक स्टैंड्स में फिलिस्तीनी झंडे के साथ दिखाई दिए थे। स्टैंड्स में फिलिस्तीन के झंडे के साथ दर्शकों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलिस्तीन को अब दुनिया में तमाम जगहों से सपोर्ट भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब फिलिस्तीन और इसराइल जंग की एंट्री वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिली हो। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी मैच जिताऊ पारी गाजा के लोगों को समर्पित कर दी थी, जिसे लेकर बड़ा बवाल भी देखने को मिला था। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।